नमस्कार, वेब न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बता दें एक अलग खबर, अमेरिकी सैनिक बन जाएंगे रोबोट। जी हाँ, अमेरिकी सरकार एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो कि अपने सैनिकों को महामानव बनाने की हर कोशिश करने में जुटा हुआ है। अमेरिकी रक्षा एजेंसी डारवा इस काम में जुटी है कि सैनिकों के मस्तिष्क को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। अमेरिकी सरकार के इस प्रोजेक्ट का नाम टारगेटेड न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रेनिंग है। इस परियोजना के प्रभावी होने के बाद सैनिकों के सीखने समझने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन इस प्रयोग का एक नकारात्मक पहलू ये भी है कि यदि कार्यक्रम सफल रहा तो अमेरिकी सैनिक जीवित रोबोट बन जाएंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया से सैनिकों के सीखने समझने में 30% सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन इस परियोजना में पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में कम से कम 4 वर्ष का समय लगेगा। इस अवधि में सैनिकों के मस्तिष्क में सिनेप्लेटिक प्लास्टिसिटी को तेज करने की गतिविधियों पर काम किया जाएगा। डारपा विद्युत उत्तेजना के जरिए सैनिकों के मस्तिष्क को तेज करना चाहती है। विद्युतों के वर्ष 2016 में घोषित हुए TNT कार्यक्रम में डारपा ने अमेरिका के 7 संस्थानों को 8 शोध कार्य सौंपे हैं, जिसका संयुक्त प्रयास अमेरिकी सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने में सक्षम होगा।